Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine, taking care of your health and now also started preparing for your term 1 exam. Now in the month of December, you are having your term 1 exam. Do you all know? आपको पता है ना आपके term 1 exam start होने वाले हैं इस month के end में. तो ये exercise जो है, now today we are going to do the recapitulation of textbook exercise. जो भी text exercise मैं आपको इसमें explain करूंगी वो आपके टर्म वन के एग्जाम से रिलेटेड है. सो स्टूडेंट्स सी इट प्रॉपरली, उसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, जिससे कि आपको एग्जाम में करने में प्रॉब्लम ना हो. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8, रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस. स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन दिस पेज, दिस चैप्टर नंबर 8, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस. यू ऑल हैव ओपन योर टेक्स्ट बुक, टेक द पेंसिल ऑल्सो विथ यू सो दैट If you have not written, you can write all this. What I am telling you, you will going to write it. Okay, student? So, we will go in the exercise. Where the exercise is there, we will proceed there. Yes, students. Open page number 63. Chapter number 8, Reaching Grandmother House, page number 63. Here you can see, what is this? This is a ticket of a train. Ticket hai. Ye train ki ticket hai. Aapko isme se information collect karni hai. जो आपको पूछी गई है इसके ऊपर आपने अगर टेक्स्ट बुक खोली है तो आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी. आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? आपको ट्रेन का नंबर, जर्नी कब स्टार्ट हुई, वो उसमें कौन सी बर्थ है, कोच नंबर क्या है उसका, टिकट का कॉस्ट कितना है, पूरा टोटल जो हम जहाँ से जर्नी स्टार्ट की हमने और एंड होने तक उसका प्राइस क्या है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस हम चले, उन सब के बारे में आपको उसमें देना है. नाउ वन बाय वन आई विल राइट फॉर यू एंड यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन नंबर. यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ द ट्रेन. नाउ हियर इन द टिकट यू कैन सी वेयर इज द नंबर ऑफ द ट्रेन. यस हियर इट इज, यू कैन सी हियर व्हाट इज इट इज रिटन, 9037. सो हियर यू विल राइट 9037. This is the train number. What is the train number? 9037. Now the next is the date of the start of the journey. Means on which date they have started the journey or you have started the journey. Journey आपने कौन सी डेट को स्टार्ट की वो लिखनी है. Here in the ticket you can see there is, the date is written here. What is the date written? It is written 24/12/2006. So journey has been started on which date? 24 December 2006. Now the third question is the berth and the coach number. Now what is the berth number and the coach number? Here you can see this is a coach number, A1. A1 is a coach number and these are the berth number. So first we will write 21, then 23, then 22. These are the berth number and this is the coach number. A1 is a coach number. Now the fare, the cost of the ticket. Ticket ke kitne paise lage, kitni total paise lage. So here you can see it is written 2578 only. Words mein bhi likha hai aur numbers mein bhi likha hua hai. So here you will write 2578. Okay students, so this was the फेयर ऑफ द टिकट. टिकट का जो पैसा लगा था वो इतना लगा था. द डिस्टेंस इन किलोमीटर, अब कितना डिस्टेंस था. ट्रेन जो हमारी टिकट होती ना उसमें ये सब इंफॉर्मेशन होती है. तो कितना किलोमीटर था? 643 किलोमीटर. दिस वॉज द डिस्टेंस विच वॉज कवर्ड. सो दिस वे यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टिकट. टिकट से आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको इस तरीके से कोई भी डिटेल्स पूछी जाए तो आपको इसमें से टिकट में से देख के करनी है. नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज. स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 117. दिस एक्सरसाइज ऑफ विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 14, बसवास फॉर्म. सो ओपन दिस चैप्टर पेज नंबर 117. नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट, कि कौन सी किस चीज की पिक्चर है. यस व्हाट इज द नेम इन द चैप्टर ऑफ दिस टूल. ये जो टूल है जो क्रॉप्स ग्रो करने में यूज होता है तो उसको क्या बोला जाता है चैप्टर में, उसका क्या नाम है? कुर्गी, KURGII, कुर्गी.
एंड नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी, KHULHADI, कुल्हाड़ी। और काहे के काम में आता है? प्लाउइंग के काम में, मतलब मिट्टी को खोदने के काम में आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, यू कैन सी हियर, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ खुंटी। चैप्टर में इसका क्या नाम है? नेम इन दिस चैप्टर इज खुंटी। नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में इसको क्या बोला जाता है? वहां पे भी इसको खुंटी ही बोलते हैं। और इसका वर्क क्या है? ये किस काम में आती है? डिगिंग के, डिगिंग मतलब मिट्टी को जो खोदते हैं ना हम, ये उसमें हेल्प करती है। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ एलगी। चैप्टर में नेम इन दिस चैप्टर इज एलगी, क्या नाम है इसका? एलगी बोला जाता है। नेम इन योर एरिया, हमारे एरिया में इसको क्या बोलते हैं? हंसुआ बोलते हैं। स्पेलिंग इज HANSUA, हंसुआ। एंड व्हाट इज द वर्क? इसका क्या काम है? कटिंग क्रॉप्स, जो खेतों में जब अनाज खड़ा हो जाता है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, तो उनको कट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हंसवा, एल्गी को यूज करते हैं क्रॉप्स को कट करने के लिए। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 59, चैप्टर नंबर 7। नाउ डू यू नो व्हाट इज योर चैप्टर नंबर 7? इट इज फ्रॉम द विंडो। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। नाउ हियर यू कैन सी इट इज रिटन लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखा हुआ यहाँ पे, एंड वेयर इट इज स्पोकन, कौन से स्टेट में ये लैंग्वेज पढ़ी बोली जाती है और पढ़ी जाती है। सो द फर्स्ट वन इज मलयालम। मलयालम कौन से स्टेट में बोला जाता है? केरला में। यू कैन सी हियर इट इज रिटन केरला। स्टूडेंट्स इफ यू हैव नॉट रिटन, अगर आपने लिखा नहीं है तो आप पेंसिल लेके इसको अभी लिखो और कंप्लीट करो। नाउ द सेकेंड वन इज कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में, GOA, गोवा। नाउ द थर्ड वन इज मराठी। मराठी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। यू कैन सी हियर MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। नाउ दिस लैंग्वेज गुजराती। गुजराती लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? यू ऑल नो वेरी वेल, आपको पता है ना गुजराती कहाँ बोली जाती है? यस, वेरी गुड, आपके स्टेट में ही बोली जाती है, दैट इज गुजरात, GUJARAT, गुजरात। नाउ द लास्ट लैंग्वेज इज कन्नड़ा। कन्नड़ा लैंग्वेज इज वेयर इट इज स्पीकन, कहाँ बोली जाती है? इट इज स्पोकन इन कर्नाटका, KARNATAKA, कर्नाटका। सो दीज आर द लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस हैं, और कौन से स्टेट में बोली जाती है वो मैंने आपको बताया है। अगेन आई विल रिपीट फॉर यू, मलयालम, केरला, कोंकणी, गोवा, मराठी, महाराष्ट्र, गुजराती, गुजरात, कन्नड़, कर्नाटका। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द सेम पेज। नाउ यू कैन गो फॉर दैट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। हियर या यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप विथ योर मदर्स एंड फादर, जो लोग आपके किसके साथ में क्या रिलेशन है, उनको क्या बोला जाता है, उन पर्सन को आपको उनके बारे में बताना है। वॉट डू यू कॉल देम? योर मदर सिस्टर, आपकी जो मदर होती है ना, मम्मी, उसकी सिस्टर को क्या बोलते हैं? मासी बोलते हैं, MASI। योर मदर्स मदर, आपकी मम्मी की मम्मी, आपकी क्या हुई स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, वो क्या हुई? नानी, जिसके आप हमेशा जाते हो, जल्दी जल्दी जाते हो ना नानी के घर में, तो वो मम्मी की मम्मी है। नाउ योर फादर सिस्टर, आपके पापा की सिस्टर, पापा की बहन, आपकी क्या हुई? वेरी गुड, शी इज अ बुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। नाउ योर फादर्स मदर, आपके पापा की मम्मी, आपकी क्या हुई? व्हाट शी इज कॉल्ड? शी इज कॉल्ड दादी, हम उनको क्या बोलते हैं? दादी। अगेन वी विल रिपीट, योर मदर सिस्टर मासी, योर मदर्स मदर नानी, योर फादर्स सिस्टर बुआ, योर फादर्स मदर दादी। ये स्टूडेंट्स, नाउ ओपन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज पेज नंबर 105, चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम्स। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज विच वी हैव डन बिफोर ऑल्सो, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू। ओवर द 60 ईयर्स डिफरेंट मटीरियल्स वर यूज्ड एट
different times in Chetandas' house. List these in the correct order. Now means what materials were used? कौन कौन से material जो थे चेतनदास के house में use किए गए थे? Time change हुआ उसके हिसाब से, तो हम उसके बारे में अब इसमें लिखने वाले. Here you can see the first one. First one में क्या लिखा है? Mud, cow dung, straw, gunny bag. जब पहले उनने घर बनाया था सोना में, तो वहां क्या यूज किया था? मड, मिट्टी, काउडंग, दैट इज कॉल्ड, आपको पता है क्या काउडंग किसको बोलते हैं? गोबर को बोलते हैं. स्ट्रॉ, सूखी हुई जो घास थी, और गनी बैग्स, जो बैग जो जिसमें सामान आता है ना, तो वो बैग जब वेस्ट हो जाते हैं तो उनको भी घरों में लगाने में यूज होता है. तो नंबर वन वॉज दिस. आफ्टर दैट नंबर टू, जब घर को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हमने, तो उसमें क्या यूज किया? आयरन, सीमेंट, अनबेक्ड ब्रिक्स. सीमेंट और आयरन यूज किया. अब ब्रिक्स कौन से यूज किए? अनबेक्ड मीन्स जो पके हुए नहीं थे, जो कच्चे ब्रिक्स थे ना, ईटे थे, वो यूज किए. नाउ द थर्ड वन. थर्ड वन में उन्होंने क्या यूज किया? बेक्ड ब्रिक्स, सीमेंट पाइप्स, लेंटल मार्बल. अभी जब और चेंजेस आए घर में, और जब थोड़ा टाइम बढ़ा, जब सब बड़े हो गए, चेतन दास की शादी हो गई, फिर उसके बच्चों की शादी होने लगी, तो उन्होंने फिर घरों घर को मॉडिफाइड कैसे किया, रेनोवेशन कैसे किया, उसमें बेक ब्रिक्स लगाए, मतलब पके हुए जो ईटे होते हैं ना वो यूज किए. सीमेंट पाइप्स लगाए, सीमेंट्स लगाई, फिर जो पाइप लगाए गए, काहे के लिए पाइप लगाए गए थे? टॉयलेट में पाइप यूज हुआ, फिर बाथरूम बनाया उसमें पाइपलाइन की जरूरत पड़ी, तो वहां सब जगह उन लोगों ने पाइप यूज किए. लेंटल मार्बल, मार्बल लगाए. कहाँ पे मार्बल लगाए? फ्लोर पे मार्बल लगाए. फिर जहां जहां पे उनको जरूरत लग रही थी, किचन में जहां पे भी, वहां पे उन लोगों ने मार्बल्स लगाए. फिर द फोर्थ वन, जब लास्ट, जब उसके दोनों बच्चों की शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई, तो बच्चों ने क्या चेंजेस किया घर में? जहां जहां पे जरूरत थी वहां वहां पे उन लोगों ने कलर्ड टाइल यूज की. मीन्स घर को बहुत अच्छा सुंदर दिखाने के लिए उन लोगों ने कलर, जो डिफरेंट टाइल कलर की जो टाइल्स आती हैं, डेकोरेटिव टाइल्स आती हैं जिसमें फ्लावर्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, वो टाइल्स उन लोगों ने यूज की. ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 72, चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज. नाउ द क्वेश्चन इज, राइट डाउन द रीजंस फॉर दीज चेंजेस इन निमी फैमिली. निमी की फैमिली में क्या चेंजेस हुए थे? द अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी इन द फैमिली. निमी की फैमिली में क्या आई थी? न्यू बेबी आई थी. फैमिली ए, निमी की जो छोटी सिस्टर थी, मदर ने उसको बॉर्न किया था ना हॉस्पिटल में, सो शी, इट वॉज अ न्यू अराइवल, वो न्यू अराइवल था उनकी फैमिली में. नेक्स्ट इज इन सेरिंग्स फैमिली. सेरिंग की फैमिली में क्या चेंजेस आए थे? सेरिंग्स फादर गॉट प्रमोटेड एंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अ न्यू प्लेस. इन सेरिंग्स फैमिली व्हाट हैपेंड? फादर गॉट द प्रमोशन. पापा को, सेरिंग के जो फादर थे, उनको क्या मिला था? प्रमोशन मिला था, मतलब उनकी जो पोस्ट थी वो अब और ऊंची हो गई थी, और उनको पैसे भी ज्यादा मिलते अब. पर क्या हुआ था उसके साथ में? वॉज ट्रांसफर टू अ न्यू प्लेस. अभी उनका दूसरी जगह पे, दूसरी सिटी में क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया था. तो अब उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको दूसरे सिटी में जाना पड़ेगा. अब उनके प्रमोशन से क्या हुआ था? घर में सब उनके प्रमोशन से तो खुश थे, पर सेरिंग्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सैड हो गए थे, वो लोग उदास हो गए थे. क्यों? क्योंकि अब उनको अकेले यहाँ पे रहना पड़ेगा. सेरिंग की फैमिली जो थी वो दूसरे सिटी में चली जाएगी. नाउ वी विल सी द थर्ड वन. स्टूडेंट्स, नाउ सी ऑन पेज नंबर 73, यू कैन सी हियर इन नजलीज फैमिली. नाउ व्हाट हैपेंड इन नजलीज फैमिली? व्हाट वाज द रीजन? द अराइवल ऑफ हर न्यू सिस्टर इन लॉ इन द फैमिली एज कजिन ब्रदर गॉट मैरिड. Now what change came in the Nazli's family? Nazli ki family mein kya change aaya? Arrival of a new sister-in-law. Abhi jo Nazli ka jo cousin brother tha, uski marriage hui thi. To unke ghar mein kya hua tha? Cousin brother ki wife jo aayi thi ghar mein, usko hum kya bolte hain? Sister-in-law. Wo ghar pe aayi thi. Aur ye kya tha? Kyun ghar pe aayi? Kyunki she got married with her cousin brother. Nazli ke cousin brother ke saath uski shaadi hui thi. To wo ghar mein ek new arrival tha. To this was the reason in Nazli's family. This was a change in Nazli's family. Now students, how many families we have read? What were the name of the families? Nimi's family, Sering's family, and Nazli's family. Yes, student. Now this was the end of the textual exercises. इतनी सारी जो textual exercise मैंने आपको कराई है, ये सब आपको आपके
टेक्स्ट बुक में कर लेना है एंड दीज आर रिलेटेड टू योर टर्म वन एग्जाम. आपके टर्म वन एग्जाम से ये रिलेटेड हो सकती है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके एग्जाम में आने ही वाली है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है. ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज. होप यू ऑल विल राइट इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू आर ऑल्सो कम्प्लीटिंग योर CWs ऑल्सो. गुड, प्रिपेयर फॉर योर टर्म वन एग्जाम. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.